माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटरमिनेंट में एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, स्प्लिटिंग ऑफ अ डिटरमिनेंट इनटू टू डिटरमिनेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आज इस सेक्शन में किसी डिटरमिनेंट को ऐड करना, दो डिटरमिनेंट को ऐड करने का तरीका, दो डिटरमिनेंट को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं उसका तरीका, और किसी डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में किस तरीके से स्प्लिट करते हैं उसका तरीका देखेंगे, और साथ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। तो सपोज आपके पास दो डिटरमिनेंट्स हैं, सपोज आपको दो डिटरमिनेंट दी गई हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस xyz प्लस xyz B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। तो दो डिटरमिनेंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप तभी कर सकते हैं जब उसमें दो कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम आइडेंटिकल हो। जब दो रो आइडेंटिकल होंगी तो जो रो डिफरेंट होगा उसमें आप एडिशन कर सकते हैं। अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो जो कॉलम डिफर करेगा उसमें आप एडिशन कर सकते हैं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि अगर दो रो आइडेंटिकल हैं तो जो रो डिफर कर रहा है उसमें आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो जो कॉलम डिफर कर रहा है उसमें आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो दोनों के लिए सेम कंडीशंस हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो जब भी दो डिटरमिनेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सर्च करना होगा कि उसमें कौन से दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है। तो आप देख रहे हैं कि इसका कॉलम 2 है, इसका कॉलम 3, इसमें दोनों में सेम है, तो आप इन दोनों डिटरमिनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। और जब आप एडिशन करेंगे तो वो दो कॉलम ऐड होंगे जो डिफरेंट हैं। आप लिख सकते हैं a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई, a3 प्लस जेड, और जो रो या कॉलम आइडेंटिकल थे उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप इनको ऐड करके 2b1 या 2b2 या 2b3 लिख सकते हैं। इनका एडिशन केवल एडिशन उसी में होगा जो दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो डिफर करेगा उसी में आप एडिशन करें तो एडिशन होगा, और अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग दो डिटरमिनेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से आप किसी डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है a1 a2 a3 b1 प्लस एक्स, b2 प्लस वाई, b3 प्लस जेड और c1 c2 c3। अगर आप इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट करना चाहते हैं तो पहले आपको यह देखना होगा कि किस रो या कॉलम को आप दो रो या दो कॉलम में आप स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे मैं अगर इसके कॉलम 2 को दो कॉलम में स्प्लिट करना चाहता हूं, इस डिटरमिनेंट को मैं दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट करना चाहता हूं, और इसके कॉलम 2 को मैं दो कॉलम में स्प्लिट करना चाहता हूं, तो पहला और तीसरा जो कॉलम है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि मैं सेकेंड कॉलम को स्प्लिट कर रहा हूं। तो जो इसका पहला कॉलम है a1 a2 a3 c1 c2 c3 a1 a2 a3 c1 c2 c3 तो जो इसका सेकेंड कॉलम है उसको मैं दो कॉलम में स्प्लिट करना चाहता हूं, तो बाकी जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप लिख सकते हैं b1 b2 b3 xyz। तो इस तरीके से हम किसी डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। या आप अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि इन दो डिटरमिनेंट को मुझे ऐड करना है, तो आप तभी ऐड कर सकते हैं जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब आप देख रहे हैं कि पहला कॉलम इसका और तीसरा कॉलम इसका, दोनों के दो कॉलम सेम है फर्स्ट और थर्ड, तो जो डिफर कर रहा है उसमें एडिशन होगा। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको ये डिटरमिनेंट मिल जाएगी। तो जैसे हम लोगों ने दो डिटरमिनेंट को ऐड किया था, उसी तरीके से हम दो डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, जिसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट आपने देख लिया कि कैसे इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आपको देखिए प्रॉब्लम दिया गया है, द वैल्यू ऑफ -1 रेस टू द पावर एन इंटू 1
ए प्लस वन ए माइनस वन माइनस वन की पावर एन प्लस वन बी वन माइनस बी बी प्लस वन माइनस वन की पावर एन प्लस वन सी वन प्लस सी वन माइनस सी प्लस माइनस वन रेस टू दी पावर एन प्लस वन ए माइनस वन रेस टू दी पावर एन बी माइनस वन रेस टू दी पावर एन प्लस टू सी ए प्लस वन वन माइनस बी वन प्लस सी ए माइनस वन बी प्लस वन वन माइनस सी इज इक्वल टू ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है थ्री, सेकंड ऑप्शन है वन, थर्ड ऑप्शन है माइनस वन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज. फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज. तो आप देख रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में दो डिटरमिनेंट प्लस करके लिखी गई हैं. तो क्या हम इन दो डिटरमिनेंट्स को ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले तो यही बात आती है कि क्या आप इन दोनों डिटरमिनेंट को ऐड कर सकते हैं. तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी कि दो डिटरमिनेंट आप तभी ऐड कर सकते हैं जब उसके दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो. तो सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं कि क्या पहला रो आइडेंटिकल नहीं है, दूसरा रो भी आइडेंटिकल नहीं है, तीसरा रो भी आइडेंटिकल नहीं है, पहला कॉलम भी आइडेंटिकल नहीं है, दूसरा कॉलम भी आइडेंटिकल नहीं है, तीसरा कॉलम भी आइडेंटिकल नहीं है. तो ना तो इसके कोई दो रो आपको आइडेंटिकल मिल रहे हैं ना ही दो कॉलम आइडेंटिकल मिल रहे हैं, लेकिन मिलते जुलते सिमिलर टर्म्स हमको दिख रहे हैं. अगर हम यहां पर आपको मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई है डिटरमिनेंट में कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो हमने क्या किया कि इसकी जो पहली डिटरमिनेंट है उस डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करें तो अगर हम पहले रो को पहला कॉलम लाए माइनस वन की पावर एन ए माइनस वन की पावर एन प्लस वन बी माइनस वन की पावर एन प्लस वन सी, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाए ए प्लस वन वन माइनस बी वन प्लस सी और ए माइनस वन बी प्लस वन वन माइनस सी और प्लस माइनस वन की पावर एन प्लस वन ए माइनस वन की पावर एन बी माइनस वन की पावर एन प्लस टू सी ए प्लस वन वन माइनस बी वन प्लस सी ए माइनस वन बी प्लस वन वन माइनस सी. तो आपने इन दोनों पहली डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज किया. अब आप देखिए किसका दूसरा कॉलम सेम हो गया, इसका तीसरा कॉलम सेम हो गया. अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों डिटरमिनेंट में दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए. अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो अब आप यहां पर इन दोनों डिटरमिनेंट का एडिशन कर सकते हैं. तो जो डिफरेंट है उसी में आपको एडिशन होगा. तो अगर आप इन दोनों डिटरमिनेंट्स को ऐड करते हैं तो आप लिख सकते हैं माइनस वन की पावर एन ए प्लस माइनस वन की पावर एन प्लस वन ए माइनस वन की पावर एन प्लस वन बी और माइनस वन की पावर एन बी माइनस वन की पावर एन प्लस वन सी और माइनस वन की पावर एन प्लस टू सी ए प्लस वन वन माइनस बी वन प्लस सी ए माइनस वन बी प्लस वन और वन माइनस सी. तो आपने इन दोनों डिटरमिनेंट को ऐड करके एक डिटरमिनेंट लिख लिया. अब देखिए आप इसे लिख सकते हैं, अगर हम इससे एक माइनस वन अलग कर लें, इससे एक माइनस वन अलग कर लें और इससे एक माइनस वन अलग कर लें, तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस वन की पावर एन ए और माइनस वन की पावर एन ए. आप इसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर एन बी और प्लस माइनस वन की पावर एन बी. आप इसे लिख सकते हैं माइनस वन की पावर एन प्लस वन सी और माइनस वन अलग करें तो माइनस वन की पावर एन प्लस वन सी और ये है ए प्लस वन वन माइनस बी वन प्लस सी ए माइनस वन बी प्लस वन वन माइनस सी. तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंस होकर के जीरो आ जाएगा. तो आपको मिलेगा जीरो 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 ए प्लस वन वन माइनस बी
वन प्लस सी, ए माइनस वन, बी प्लस वन, वन माइनस सी। तो आप देख रहे हैं इसका पूरा एक कॉलम जीरो हो गया। अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि जीरो इसका एबीसी में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इफ ए बी सी आर अनइक्वल, इफ ए बी सी आर अनइक्वल व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन दैट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू प्लस वन बी क्यू प्लस वन सी क्यू प्लस वन इज जीरो। आपको ऑप्शंस दिए गए, वन प्लस ए बी सी इक्वल टू जीरो, सेकेंड ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन इक्वल्स जीरो, थर्ड ऑप्शन है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इक्वल्स जीरो, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो है तो कौन सी कंडीशन करेक्ट होगा। तो देखिए आपको जो डिटरमिनेंट दिया गया है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू प्लस वन बी क्यू प्लस वन और सी क्यू प्लस वन। तो जो डिटरमिनेंट आपको दिया गया है फर्स्ट साइड में देखने से हमें यह लग रहा है कि इसका जो तीसरा कॉलम है वो दो दो एलिमेंट का सम है। तो हमें स्टार्ट करने का एक डायरेक्शन दिख रहा है कि अगर हम इस डिटरमिनेंट को के थर्ड कॉलम को दो कॉलम में स्प्लिट कर ले, मतलब हम इसे दो डिटरमिनेंट में अगर स्प्लिट कर लें, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको जीरो दी गई है। तो हमने क्या किया, इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट किया। आप लिख सकते हैं इसको ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो जिस कॉलम को आप स्प्लिट कर रहे हैं बचे हुए कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, प्लस ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन 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 इक्वल्स टू जीरो। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहां से अगर हम फर्स्ट रो से एक, सेकेंड रो से बी और थर्ड रो से सी को बाहर निकालें तो आप लिख सकते हैं यहां पर ए बी सी वन ए ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर वन सी सी स्क्वायर। और यहां पर हम सी टू और सी थ्री को अगर इंटरचेंज करते हैं, अगर आप यहां पर सी टू और सी थ्री कॉलम टू और कॉलम थ्री के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं तो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई कि जब आप एक इंटरचेंज करते हैं तो आपको एक निगेटिव साइन मिलता है। तो आप लिख सकते हैं माइनस ए बी सी वन 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। फर्दर एक बार फिर से आप इंटरचेंज करिए, C1 और C2 के एलिमेंट को इंटरचेंज करिए तो आप लिख सकते हैं ए बी सी वन ए ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर वन सी सी स्क्वायर। और एक बार और इंटरचेंज करेंगे C2 और C1 और C2 के एलिमेंट को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर जीरो। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों डिटरमिनेंट सेम होगी तो मैं इससे डिटरमिनेंट को कॉमन लूंगा तो आप लिख सकते हैं ए बी सी प्लस वन इंटू वन ए ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर और वन सी सी स्क्वायर बराबर जीरो। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में चार स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट बताई थी जिनके स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद करने थे, जिसमें आपको मैंने ये डिटरमिनेंट बताई थी
इसका वैल्यू आपको मिला था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो आप लिख सकते हैं ए बी सी प्लस वन इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए बराबर जीरो। अब देखिए आपको दिया गया कि ए बी सी अनइक्वल है, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, सी नॉट इक्वल टू ए, तो अगर इसको जीरो होना है तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए बी सी प्लस वन जीरो हो जाए, क्योंकि ये फैक्टर जीरो नहीं हो सकते क्योंकि आपको प्रॉब्लम में दिया गया कि ए बी सी आर अनइक्वल, तो यहां पर अगर आपको इसको जीरो करना है तो ए बी सी प्लस वन का वैल्यू जीरो होना चाहिए। और आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ए बी सी प्लस वन बराबर जीरो जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अंडर रूट 13 प्लस रूट 3 अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 26 3 प्लस अंडर रूट 65 2 रूट 5 5 रूट 15 रूट 5 रूट 10 5 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 15 रूट 2 माइनस 25 रूट 3, सेकेंड ऑप्शन है 15 रूट 2 प्लस 25 रूट 3, थर्ड ऑप्शन है 15 रूट 2 माइनस 15 रूट 3 और फोर्थ ऑप्शन है 5 रूट 2 प्लस 15 रूट 3। तो आपको ये इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए, तो आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट में आप देख रहे हैं कि इसका जो पहला कॉलम है वो दो दो एलिमेंट का सम है, दो दो एलिमेंट का सम है, दो दो एलिमेंट का सम है, तो आप इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट साइड में हमें यह लगता है कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम को दो कॉलम में स्प्लिट करें तो यह प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 15 प्लस रूट 26 3 प्लस रूट 65 और 2 रूट 5 5 रूट 15 रूट 5 रूट 10 और 5। तो जैसे अगर मैं इसको दो कॉलम में स्प्लिट कर लूं, अगर मैं इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर लूं तो मैं इसे लिख सकता हूं रूट 13 रूट 15 3 और 2 रूट 5 5 और रूट 15 और रूट 5 रूट 10 और 5 प्लस रूट 3 रूट 26 रूट 65 टू रूट 5 5 और रूट 15 और रूट 5 रूट 10 और 5। ऐसे आप इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसा करने से क्या दिक्कत हो रही है, रूट 26 रूट 65 और रूट 13 ये 13 के मल्टीपल्स हैं, अगर हम रूट 13 को इधर रखते तो आप रूट 13 कॉमन ले सकते, 13 टू जा 26 13 फिर जा 65, तो रूट 13 रूट 26 और रूट 65 ये 13 के मल्टीपल्स हैं, रूट 13 के मल्टीपल्स हैं, तो अगर मैं रूट 3 को पहले और रूट 13 को बाद में लिख लूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर मैं यहां पर रूट 3 कर लूं और यहां पर रूट 13 कर लूं तो ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं आएगा, और यहां पर मुझे मिलेगा रूट 3 और यहां पर मुझे मिलेगा रूट 13, ऐसा करने से मैं यहां से रूट 13 बाहर निकाल सकता हूं, ऐसा करने से मैं यहां से रूट 3 बाहर निकाल सकता हूं, तो मैंने यहां पर पहले कॉलम से रूट 3 को बाहर निकाला, पहले कॉलम से रूट 3 को बाहर निकाला, दूसरे कॉलम से मैंने रूट 5 को बाहर निकाला और तीसरे कॉलम से मैंने रूट 5 को बाहर निकाला। अब आपके पास जो पहला डिटर्मिनेंट है वो दिखेगा 1 रूट 5
रूट थ्री, और दूसरे कॉलम से रूट फाइव बाहर निकाला तो टू रूट फाइव रूट थ्री, और यहां पर मिलेगा वन रूट टू रूट फाइव। आप यहां से रूट थर्टीन को बाहर निकालेंगे, रूट थर्टीन बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा वन रूट टू रूट फाइव। दूसरे कॉलम से रूट फाइव को बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा टू रूट फाइव रूट थ्री, और थर्ड कॉलम से रूट फाइव को बाहर निकालेंगे इंटू रूट फाइव तो आपको मिलेगा वन रूट टू रूट फाइव। अब आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि इसका पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब केवल आपको यह डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है, उसमें आप देखिए कि रूट फाइव रूट फाइव रूट थ्री रूट थ्री, तो अगर मैं यहां पर सी वन माइनस सी टू अप्लाई कर दो तो मैं यहां पर जीरो बना सकता हूं, और रूट फाइव मिलकर फाइव रूट थ्री बन जाएगा। तो यह आ जाएगा आपके पास फाइव रूट थ्री, और सी वन में आपने अप्लाई किया सी वन माइनस सी टू तो फाइव रूट थ्री सी वन माइनस सी टू, तो माइनस वन जीरो जीरो टू रूट फाइव रूट थ्री वन रूट टू रूट फाइव। अब आप इसको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए तो आप लिख सकते हैं फाइव रूट थ्री माइनस वन, ये कॉलम और ये रो कैंसल, रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री, तो आप लिख सकते हैं यहां पर फाइव रूट थ्री माइनस फाइव प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री। फाइव रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेंटी फाइव रूट थ्री, और फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन रूट टू, तो फाइनली इसका वैल्यू आ जाएगा फिफ्टीन रूट टू माइनस ट्वेंटी फाइव रूट थ्री, फिफ्टीन रूट टू माइनस ट्वेंटी फाइव रूट थ्री, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है द इक्वेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स होल स्क्वायर टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन वन माइनस एक्स होल स्क्वायर थ्री एक्स टू एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस फाइव एक्स टू माइनस थ्री एक्स प्लस वन प्लस एक्स होल स्क्वायर वन माइनस एक्स होल स्क्वायर वन माइनस टू एक्स टू एक्स प्लस वन थ्री एक्स थ्री एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन टू एक्स टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है और इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो रियल सॉल्यूशन, इसका सेकंड ऑप्शन हैज फोर रियल सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन हैज टू रियल, हैज टू रियल एंड टू नॉन रियल सॉल्यूशंस, और फोर्थ दिया गया हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रियल और नॉन रियल, रियल और नॉन रियल। तो ये आपको प्रॉब्लम दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि दो डिटर्मिनेंट प्लस करके लिखी गई हैं। तो सबसे पहले देखना होगा कि क्या इन डिटर्मिनेंट्स को आप ऐड कर पाएंगे या ऐड हो सकती हैं। तो आपने देखा कि इसमें वन प्लस एक्स का स्क्वायर है, इसका पहला कॉलम देखा, पहला कॉलम डिफर कर रहा है,
दूसरा कॉलम भी डिफर कर रहा है, तीसरा कॉलम भी डिफर कर रहा है, पहला रो डिफर कर रहा है, दूसरा रो भी डिफर कर रहा है, तीसरा रो भी डिफर कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट साइड में देखने से ऐसा लग रहा है कि डिटरमिनेंट को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद बात बन जाए। तो हमने किसी एक डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, मान लीजिए हमने फर्स्ट डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, तो आप लिख सकते हैं इसके पहले रो को पहला कॉलम बनाया, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाया, टू एक्स प्लस वन थ्री एक्स, वन माइनस फाइव एक्स, एक्स प्लस वन टू एक्स, टू माइनस थ्री एक्स, और प्लस वन प्लस एक्स का स्क्वायर, वन माइनस एक्स का स्क्वायर, वन माइनस टू एक्स, टू एक्स प्लस वन थ्री एक्स, थ्री एक्स माइनस टू, और एक्स प्लस वन टू एक्स, और टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। जब आपने पहले डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, उसके बाद देखिए इसका जो पहला रो है और दूसरा रो, आप देख रहे हैं कि इन दोनों डिटरमिनेंट में पहला और दूसरा रो आइडेंटिकल हो गया। इसका मतलब आप इन डिटरमिनेंट्स को अब ऐड कर सकते हैं, तो जो एडिशन होगा वो थर्ड रो में पॉसिबल होगा। तो हम इन दोनों डिटरमिनेंट्स को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर आपको मिलेगा वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, टू एक्स प्लस वन, और एक्स प्लस वन। दूसरा है वन माइनस एक्स, सेकेंड रो है वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, थ्री एक्स और टू एक्स। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस टू में वन ऐड होगा, माइनस वन आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का टू एक्स, और वन माइनस फाइव एक्स में थ्री एक्स माइनस टू ऐड होगा, तो माइनस वन, माइनस वन माइनस का टू एक्स, और टू माइनस थ्री एक्स में टू एक्स माइनस थ्री ऐड होगा, तो माइनस वन और माइनस का एक्स बराबर जीरो, बराबर जीरो। तो आप यहां पर लिख सकते हैं वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, वन माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है टू एक्स प्लस वन थ्री एक्स, और माइनस कॉमन लेंगे टू एक्स प्लस वन, ये है एक्स प्लस वन टू एक्स, और x प्लस वन बराबर जीरो। आप यहां पर थर्ड रो से माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो आप लिख सकते हैं वन प्लस एक्स का स्क्वायर, टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, वन माइनस एक्स का स्क्वायर, थ्री एक्स, टू एक्स, वन प्लस एक्स का स्क्वायर, टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई। तो आपको यहां से मिला जीरो बराबर जीरो, मतलब ये एक आइडेंटिटी है, हर एक एक्स की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये एक आइडेंटिटी है। और चूंकि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालेंगे, चाहे वो रियल हो चाहे वो नॉन रियल हो, आपको हमेशा इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी। इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉन रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर इनफाइनाइट। तो हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो इस इक्वेशन के आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इफ डेल्टा वन इक्वल्स टू 10 17 4, 47 माइनस फाइव 347, एंड डेल्टा टू इक्वल्स टू 47 माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस वन 347, सच दैट डेल्टा
डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इक्वल्स जीरो, देन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं एक्स इक्वल्स टू फाइव, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है एक्स हैज नो रियल वैल्यू, एक्स हैज नो रियल वैल्यू, थर्ड है एक्स इक्वल टू जीरो, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको दिया गया है कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू की वैल्यू जीरो है। तो देखिए आपको दिया गया है कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इक्वल्स जीरो, तो आप लिख सकते हैं टेन सेवनटीन फोर, फोर सेवन माइनस फाइव थ्री फोर सेवन, प्लस फोर सेवन माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस वन थ्री फोर सेवन इक्वल्स जीरो। अब आप अगर इन दोनों डिटरमिनेंट को ऐड करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि क्या इन दोनों में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं या नहीं है। तो पहला कॉलम आइडेंटिकल नहीं है, दूसरा कॉलम भी आइडेंटिकल नहीं है, तीसरा भी आइडेंटिकल नहीं है, तीसरा आइडेंटिकल है। अगर हम यहां पर थोड़ा सा चेंज करें, अगर हम C1 और C2 को इंटरचेंज कर लें तो आप देखेंगे कि ये वाला कॉलम एलिमेंट तो वही है लेकिन बस इसकी पोजीशन डिफरेंट है। तो हमने यहां पर क्या किया कि इसके कॉलम वन और कॉलम टू के जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज किया। ऐसा करने से आप इसे लिख पाएंगे 17, 4, 4, 7 माइनस 5, 3, 4, 7। और जब आप एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आपको एक माइनस साइन मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं माइनस x प्लस 5, x प्लस 12, x माइनस 1, 4, 7 माइनस 5 और 3, 4, 7 इक्व जीरो। अब आप देख रहे हैं इसका सेकेंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया। अगर सेकेंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो जो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं वो फर्स्ट कॉलम में आप कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स माइनस फाइव, 17 माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व, 4 माइनस एक्स प्लस वन, 4 7 माइनस फाइव और 3 4 7 इक्वल्स टू जीरो। तो आप लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स, आप इसे लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स, आप इसे लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स, 4 7 माइनस 5 3 4 7 इक्वल जीरो। आप यहां से 5 माइनस एक्स कॉमन लें तो आप लिख सकते हैं 1 1 1, 4 7 माइनस 5 3 4 7 बराबर जीरो। और अगर इसको जीरो होना है तो या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। तो अगर आपको इसको जीरो बनाना है तो 5 माइनस एक्स बराबर जीरो होना चाहिए, मतलब x बराबर 5 होना चाहिए। तो x की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट ऑप्शन 5 दिया गया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए हम लोग किसी डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हम लोग पहले ही देख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि जब किसी डिटरमिनेंट में आप किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो नंबर उस डिटरमिनेंट के किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आपके पास दो डिटरमिनेंट है तो उन डिटरमिनेंट को किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, सो राइट डाउन द हेडिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट। मान लीजिए कि हमारे पास दो डिटरमिनेंट है ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और दूसरा डिटर्मिनेंट आपके पास में है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री और गामा वन गामा टू गामा थ्री। आप इन दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है।
इस डिटर्मिनेंट का आप पहला कॉलम सिलेक्ट करिए, इस पहले कॉलम को ले जाकर के इनके रो के ऊपर सुपर इंपोज करिए। यहां रखिए अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री। इस कॉलम को, इसका फर्स्ट कॉलम उठाया, इसके फर्स्ट रो के ऊपर सुपर इंपोज किया, तो जो नंबर जिसके ऊपर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सम करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए वन अल्फा वन प्लस बी वन अल्फा टू प्लस सी वन अल्फा थ्री। फिर आप इस इसका जो फर्स्ट कॉलम है यहां पर रखेंगे, फिर सेकेंड रो के ऊपर इंपोज करेंगे, तो ए टू अल्फा वन, ए टू अल्फा वन प्लस बी टू अल्फा टू प्लस सी टू अल्फा थ्री। फिर इसको थर्ड रो के ऊपर प्लेस करेंगे, तो ए थ्री अल्फा वन प्लस बी थ्री अल्फा टू प्लस सी थ्री अल्फा थ्री। तो ये आपने पहले कॉलम को यहां पर मल्टीप्लाई किया। अब आप इसका दूसरा कॉलम उठाइए, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। अब आप इसका सेकेंड कॉलम यहां से उठाइए, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, और मल्टीप्लाई करिए। तो आप लिख सकते हैं ए वन बीटा वन, बी वन बीटा टू और सी वन बीटा थ्री। तो आपने इसका सेकेंड कॉलम उठाया, पहले रो के ऊपर रखेंगे, फिर दूसरे रो के ऊपर, फिर तीसरे रो के ऊपर, तो आपको इसका सेकेंड कॉलम मिलेगा। तो जब आप इसके ऊपर बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री को रखेंगे, तो ए टू बीटा वन, बी टू बीटा टू, सी टू बीटा थ्री और ए थ्री बीटा वन, बी थ्री बीटा टू और सी थ्री बीटा थ्री। फिर आप इसका थर्ड कॉलम उठाइए, गामा वन, गामा टू, गामा थ्री, और यहां पर रखिए गामा वन, गामा टू, गामा थ्री। तो आप इसका थर्ड कॉलम उठाइए और इसके फर्स्ट रो के ऊपर, फिर सेकेंड रो के ऊपर, फिर थर्ड रो पर रखिए। तो आप लिख सकते हैं ए वन गामा वन, बी वन गामा टू, सी वन गामा थ्री, ए टू गामा वन, बी टू गामा टू, सी टू गामा थ्री और ए थ्री गामा वन प्लस बी थ्री गामा टू प्लस सी थ्री गामा थ्री। तो ये हमारे पास इन दोनों डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है। तो डिटर्मिनेंट को किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है ये आपको देखना है। पहले कॉलम को पहले रो के ऊपर, फिर दूसरे रो के ऊपर, फिर तीसरे रो के ऊपर रखेंगे तो पहला कॉलम जनरेट होगा। इसका दूसरा कॉलम लेंगे, इसके पहले रो के ऊपर, फिर दूसरे रो के ऊपर, फिर तीसरे ऊपर इंपोज करेंगे तो आपको सेकेंड कॉलम मिलेगा। फिर आप इसका थर्ड कॉलम उठाएंगे, इसके पहले रो के ऊपर रखेंगे, फिर दूसरे रो के ऊपर रखेंगे, फिर तीसरे रो के ऊपर रखेंगे तो आपको इसका तीसरा कॉलम मिलेगा। इस तरीके से हम दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लिया, जो कि एक आसान काम था, लेकिन हमें मल्टीप्लाई तो करना ही है, साथ में अगर कोई डिटर्मिनेंट इस तरीके की दी हो तो हम उस डिटर्मिनेंट को कैसे दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हमें उल्टा चलना है, हमें दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐसे ना लिखने के, ऐसा तो लिखना आना ही चाहिए, लेकिन जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से प्रॉब्लम होते हैं तो हमें किसी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, यह ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला काम यह होता है कि जब आप किसी डिटर्मिनेंट को लिखना चाहते हैं कि वो, पहले तो यह समझना होगा कि दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में किस प्रॉब्लम को हम यूज करें, किस प्रॉब्लम में दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसी डिटर्मिनेंट जिसमें दो दो एलिमेंट के सम होते हैं, दो दो नंबर्स के सम के फॉर्म में कोई डिटर्मिनेंट लिखी होती तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हो, क्योंकि दो दो नंबर्स के प्रोडक्ट आपको यहीं पर मिलेंगे। फिर इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करें, जैसे ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, अब आप इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन सीखा है बिल्कुल उसी तरीके से आपको ध्यान रखते हुए इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना है। तो आपने ये देखा था कि इसका जो पहला कॉलम होता है वो पहले रो में, दूसरे रो में और तीसरे रो में मल्टीप्लाई होता है। तो आप इसका पहला कॉलम देखिए और इसमें देखिए कि कौन सा एलिमेंट ऐसे हैं जो तीनों में आ रहे हैं, क्योंकि इसका पहला कॉलम इसके पहले रो, दूसरे रो, तीसरे रो सभी से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री तीनों में आ रहे हैं, इसका मतलब इसका जो पहला कॉलम होगा वो अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री होगा और इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, इनके साथ जो अदर एलिमेंट्स हैं वो इस वाले में फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे, इसके
सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे और इसमें जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे वो थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे। तो आप लिख सकते हैं यहां पर ए वन बी वन सी वन, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री के साथ यहां पर ए वन बी वन सी वन है, यहां पर ए टू बी टू सी टू है, जबकि यहां पर हमारे पास ए थ्री बी थ्री सी थ्री है। तो आपने देखा कि पहला डिटरमिनेंट तो कंप्लीटली आपको मिल गया। फिर हम सेकेंड कॉलम में आए, क्योंकि सेकेंड कॉलम इसके पहले रो दूसरे रो तीसरे रो साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो आप इसमें देखिए कि सेकेंड कॉलम में तीनों में कौन से एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, तो इसका जो सेकेंड कॉलम है वो आपको मिलेगा बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री। इसी तरीके से जब आप इसके थर्ड कॉलम को देखते हैं तो गामा वन गामा टू गामा थ्री आपको तीनों में मिल रहा है, इसका मतलब इसका जो थर्ड कॉलम होगा वो गामा वन गामा टू गामा थ्री होगा। तो इस तरीके से हम किसी डिटर्मिनेंट को देख करके उसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ऐसा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जब आप कई सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आप किसी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना सीख पाएंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम को देख करके तब आपको उसको दो डिटर्मिनेंट के फोर के फॉर्म में लिखना है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो उस डिटर्मिनेंट में दो दो नंबर्स के पोर्ट का सम हो, तब आप समझ पाएंगे कि वहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स का प्रॉब्लम है। फिर आपको उसको ऑब्जर्व करके दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना होगा। जब आप ऐसा लिख लेंगे तो प्रॉब्लम आपके सामने उसका सोल्यूशन होगा। और ध्यान देना है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसमें कहीं जीरो नहीं बन रहा है, एक्सपेंड करने में बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, तो अगर आपने उसको स्प्लिट नहीं किया तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि और किसी तरीके से उस प्रॉब्लम को आप भी सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको काफी समय लगेगा। हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आप यहां पर एक मिनट में कर लें उसको सॉल्व करने में आधे घंटे का कैलकुलेशन हो। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम होगा तो वो अदर किसी भी मेथड से सॉल्व करने में आपको बहुत सारा समय और बहुत लंबे कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की भी रिक्वायरमेंट होती है कि जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर पाएंगे। तो अब हम लोग कुछ इसके प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं जिससे कि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से हम किसी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करते हैं। तो देखिए आपको प्रॉब्लम दिया गया है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए वन एल वन प्लस बी वन एम वन, ए टू एल वन प्लस बी टू एम वन, ए थ्री एल वन प्लस बी थ्री एम वन, ए वन एल टू प्लस बी वन एम टू, ए टू एल टू प्लस बी टू एम टू, ए थ्री एल टू प्लस बी थ्री एम टू, ए वन एल थ्री प्लस बी वन एम थ्री, ए टू एल थ्री प्लस बी टू एम थ्री और ए थ्री एल थ्री प्लस बी थ्री एम थ्री इज इक्वल्स टू, जिसके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए वन एल वन प्लस बी वन एम वन प्लस ए टू एल टू प्लस बी टू एम टू। दूसरा इसका ऑप्शन दिया गया है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। थर्ड ऑप्शन दिया गया है ए वन ए टू ए थ्री एल वन एम वन एन वन और इसका फोर्थ ऑप्शन आपको जीरो दिया गया। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पास डिटर्मिनेंट दी गई है वो दो दो नंबर्स के प्रोड का सम आ रहा है। आपने देखा था कि जब आप दो डिटर्मिनेंट का प्रोड लिखते थे तो उस डिटर्मिनेंट में क्या खास बात होती थी कि उसके दो दो नंबर्स के प्रोड का सम होता था, लेकिन उसमें तीन टर्म होते थे। अगर दो टर्म आ रहे हैं, अगर कोई नंबर जीरो हो जाए, अगर कोई नंबर जीरो हो जाए तो उसमें टर्म कम हो जाएंगे। तो जब भी दो दो टर्म के प्रोडक्ट का सम मिले तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हो सकता है ये प्रॉब्लम प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट का हो। तो अगर हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे जाते हैं,
तो जैसे आपको लिखा हुआ है ए वन एल वन प्लस बी वन एम वन, ए टू एल वन प्लस बी टू एम वन, ए थ्री एल वन प्लस बी थ्री एम वन, ए वन एल टू प्लस बी वन एम टू, ए टू एल टू प्लस बी टू एम टू, ए थ्री एल टू प्लस बी थ्री एम टू, ए वन एल थ्री प्लस बी वन एम थ्री, ए टू एल थ्री प्लस बी टू एम थ्री और ए थ्री एल थ्री प्लस बी थ्री एम थ्री। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के पेयर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप देखिए कि इसके पहले कॉलम में कौन से एलिमेंट सेम है, तो आपने कहा एल वन एम वन तीनों में आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं एल वन एम वन और तीसरा नहीं है तो उसको आपने जीरो लिख लिया। अब आप देखिए कि यहां पर क्या है, इसके पहले रो में एल वन एम वन के साथ ए वन बी वन है, तो इसका पहला रो ए वन बी वन, आप चाहे तो यहां पर कोई नंबर अल्फा वन लिख सकते हैं चाहे तो जीरो लिख लें। दूसरे रो में एल वन एम वन के साथ ए टू बी टू है और तीसरा नहीं है तो आप यहां पर चाहे तो जीरो लिख लें या अल्फा टू लिख लें। यहां पर ए थ्री बी थ्री और यहां पर मैंने अल्फा थ्री लिख लिया, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन एल वन प्लस बी वन एम वन और अल्फा वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। दूसरे रो में आपने देखा कि एल टू एम टू एल टू एम टू एल टू एम टू, तीनों में एल टू एम टू है तो मैं यहां पर एल टू एम टू और जीरो लिख सकता हूं और तीसरे रो में एल थ्री एम थ्री है तो आप यहां पर एल थ्री एम थ्री और जीरो लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसका एक पूरा रो जीरो हो गया तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई। तो सम जीरो और नॉन जीरो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जीरो, तो आपको इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी जो कि इसका डी ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको जीरो मिले। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते सॉल्व करते किसी तरीके से तो कभी पहली बात तो जीरो नहीं बना पाते आप कहीं पर, और अगर आप एक्सपेंड करते तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाता कि आप हाफ एन आवर में भी इस प्रॉब्लम को हो सकता है ना सॉल्व कर पाते, और इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन के बाद बहुत सारे टर्म मिलते जो कि फाइनली कट करके जीरो हो जाते। लेकिन अगर आप दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसको हम दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है द वैल्यू ऑफ cos a minus p cos b minus q cos a minus q cos a minus q cos a minus r cos b minus r cos c minus r is equals to, और इसके आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं 1, 0, -1 and 2, ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी हमें जीरो बनाने का कोई तरीका नहीं दिख रहा है, एक्सपेंड करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अगर हम जो कोसाइन सम और डिफरेंस के फॉर्मूले आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, अगर आप उनका यूज करते हैं तो जिस डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी है आप उस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस पी को लिख सकते हैं कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, कॉस बी माइनस पी को लिख सकते हैं आप कॉस बी कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी, आप कॉस सी माइनस पी को लिख सकते हैं कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी। सेकेंड कॉलम को ओपन करिए, कॉस ए माइनस क्यू को लिख सकते हैं कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू, कॉस बी माइनस क्यू को लिख सकते हैं कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू,
और cos c माइनस क्यू को लिख सकते हैं cos c cos q प्लस sin c sin q। फिर आप थर्ड कॉलम को ओपन करिए, cos a माइनस आर, cos a cos r प्लस sin a sin r, cos b माइनस आर को लिख सकते हैं cos b cos r प्लस sin b sin r, और cos c माइनस आर को लिख सकते हैं cos c cos r प्लस sin c sin r। तो आपने इस डिटरमिनेंट को कोसाइन के डिफरेंस वाले फॉर्मूले से ओपन कर लिया। अब जैसे ही आपने ओपन किया तो आप देख रहे हैं कि दो दो नंबर्स के प्रोडक्ट का सम आपको लिखा हुआ है। जैसे ही आपने इसको देखा तो आपको स्ट्राइक किया कि हो सकता है कि हम इसको प्रोडक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट के टर्म्स में लिख पाए, दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाए, क्योंकि दो दो टर्म के प्रोडक्ट का सम दिख रहा है, जबकि तीन होने चाहिए, जब नहीं है तो हो सकता है कि एक जीरो। तो अगर मैं इसको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर हम इसको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहें, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करिए कि पहले कॉलम में कौन से ऐसे एलिमेंट है जो दोनों सभी में आ रहे हैं। तो अब देखा कॉस पी साइन पी सभी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका जो फर्स्ट कॉलम होगा कॉस पी साइन पी, और तीसरा नहीं है तो उसको मैंने जीरो ले लिया। अब आप देखिए कि कॉस पी साइन पी के साथ और जो जो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसके साथ जो आएंगे वो फर्स्ट रो होगा, इसके साथ जो आएंगे वो सेकंड रो होगा, इसके साथ जो आएगा वो थर्ड रो होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस ए साइन ए और सम कांस्टेंट अल्फा वन, दूसरे में आप लिख सकते हैं कॉस बी साइन बी एंड अल्फा टू, और तीसरे में लिख सकते हैं कॉस सी साइन सी और अल्फा थ्री। अब आप सेकंड कॉलम में जाइए, सेकंड कॉलम में देखिए कि तीनों में क्या आ रहा है, कॉस क्यू साइन क्यू, तो इसका सेकंड कॉलम आपको मिलेगा कॉस क्यू साइन क्यू और जीरो, और इसमें आपको मिल रहा है कॉस आर और साइन आर, तो आप यहां लिख सकते हैं कॉस आर साइन आर और जीरो। और आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कैसी भी हो, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि इसका एक पूरा रो जीरो है, तो इस डिटरमिनेंट पहला डिटरमिनेंट तो कुछ भी हो लेकिन दूसरे वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो आपको उसकी वैल्यू जीरो मिलेगी, और जीरो इसका बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, गिवेन ए आई स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर प्लस सी आई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, आई इक्वल्स टू वन टू एंड थ्री, एंड ए आई ए जे प्लस बी आई बी जे प्लस सी आई सी जे इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स जीरो, आई नॉट इक्वल्स टू जे एंड आई जे इक्वल्स टू वन टू थ्री, देन द वैल्यू ऑफ ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू एंड ए थ्री बी थ्री सी थ्री इज इक्वल्स टू, और आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए वन बाई टू जीरो टू एंड वन, ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको देखिए दो कंडीशंस दी गई हैं, फर्स्ट कंडीशन है ए आई स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर प्लस सी आई स्क्वायर इक्वल्स वन, जहां पर आई का वैल्यू वन टू थ्री है, तो जब आई का वैल्यू वन रखेंगे तो आपको मिलेगा ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इक्वल्स वन, जब आप आई का वैल्यू टू रखेंगे तो ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर इक्वल्स वन, और जब आप आई का वैल्यू थ्री रखेंगे तो ए थ्री स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर इक्वल्स वन। तो ये हमारे पास तीन रिजल्ट्स हैं जो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास कंडीशन है ए आई ए जे प्लस बी आई बी जे प्लस सी आई सी जे बराबर जीरो, जहां पर आई और जे बराबर नहीं है। अगर आप आई का वैल्यू वन लेते हैं, अगर आई वन लेंगे तो ए वन बी वन सी वन आई का वैल्यू वन लेंगे तो जे का वैल्यू वन नहीं होगा, टू और थ्री ले सकते हैं, तो ए टू बी टू सी टू बराबर जीरो, या फिर ए वन बी वन सी वन आप जे का वैल्यू थ्री ले सकते हैं, तो ए थ्री बी थ्री सी थ्री बराबर जीरो। इसी तरीके से अगर आप आई का वैल्यू टू लेते हैं तो
ए टू बी टू सी टू, ए वन तो हम पहले यूज कर चुके हैं, अगर ए वन ले आई का वैल्यू अगर आपने टू लिया तो जे का वैल्यू वन और थ्री हो सकता है, अगर आप वन लेंगे तो ये वाला रिजल्ट रिपीट होगा, और अगर आप थ्री लेते हैं तो आपको मिलेगा ए टू ए थ्री, बी टू बी थ्री और सी टू सी थ्री बराबर जीरो। अगर आप आई का वैल्यू थ्री लेते हैं तो ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, वन लेने पर ये और टू लेने पर ये आएगा, मतलब इससे आपको यही तीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये छह रिजल्ट्स हैं, तीन ये हैं और तीन ये हैं, दो दो नंबर्स के प्रोडक्ट का सम है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम है, दो दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो कहीं हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम हो। और आपको देखिए जो वैल्यू निकालनी है आपसे कहा डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं इसको डेल्टा ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। अब आपको ऐसे टर्म लाना है तो ऐसे टर्म तभी बनेंगे जब दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट हो, तो हमने यहां से क्या किया इसका स्क्वायरिंग कर दिया, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं इसको ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री का स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री इंटू ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पहला कॉलम इसके पहले रो के ऊपर जाएगा, तो ए वन स्क्वायर ए टू बी वन और ए थ्री सी वन बनेगा, ऐसा हमारे पास कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उससे जो ये छह आपके पास रिजल्ट है उसका कहीं आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया कि किसी एक डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लिया, आप इसने इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया ए वन ए टू ए थ्री, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाया बी वन बी टू बी थ्री, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया सी वन सी टू सी थ्री, और दूसरे को एज रखा ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो जब इसका फर्स्ट कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए वन बी वन सी वन, इसका फर्स्ट कॉलम आपने उठाया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आप लिख सकते हैं यहां पर डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए वन ए थ्री प्लस बी वन बी थ्री प्लस सी वन सी थ्री, फिर आप इसका सेकेंड कॉलम उठाएंगे ए टू बी टू सी टू और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर और ए टू ए थ्री प्लस बी टू बी थ्री प्लस सी टू सी थ्री। और जब इसका थर्ड कॉलम लेंगे ए थ्री बी थ्री और सी थ्री और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ए वन ए थ्री प्लस बी वन बी थ्री प्लस सी वन सी थ्री और ए टू ए थ्री प्लस बी टू बी थ्री प्लस सी टू सी थ्री और ए थ्री स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर। अब आपके पास ये सारे रिजल्ट्स आपके पास में हैं, आप लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, इनकी वैल्यूज वन है और बाकी जितने भी टर्म आ रहे हैं उनकी वैल्यू जीरो दी गई है। और आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स या लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कोई डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट, या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू आपको वन मिलेगी, तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स वन, जिसे आप लिख सकते हैं डेल्टा बराबर वन, तो इसका आपको वैल्यू वन मिलेगा जो कि इसका डी ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको नेक्स्ट टर्म दिया गया है, इफ अल्फा कामा बीटा कामा गामा आर रियल नंबर्स
are real numbers, then D equals to 1 cos alpha minus beta, cos alpha minus gamma, cos beta minus alpha, 1 cos beta minus gamma, cos gamma minus alpha, cos gamma minus beta, 1 is equals to, और इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं माइनस वन, सेकंड ऑप्शन है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, थर्ड ऑप्शन है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, और डी ऑप्शन है जीरो। ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपके पास देखिए डिटरमिनेंट दिया गया है, हमें कहीं जीरो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, और अगर हम डायरेक्टली एक्सपेंशन करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के टर्म्स आपको मिलेंगे। तो आपको अगर हम इस डिटरमिनेंट को इस तरह लिख लें, जैसे ये वन है, वन लिखा हुआ है, वन को मैं कॉस जीरो या फिर अल्फा माइनस अल्फा लिख सकता हूं, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा है, कॉस अल्फा माइनस गामा है, कॉस बीटा माइनस अल्फा, इसे मैं वन को मैं कॉस बीटा माइनस बीटा लिख सकता हूं, और कॉस बीटा माइनस गामा, और कॉस गामा माइनस अल्फा, कॉस गामा माइनस बीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस गामा माइनस गामा, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम इस डिटरमिनेंट को ओपन करें तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसे आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा, कॉस बीटा माइनस अल्फा को आप लिख सकते हैं कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा, कॉस बीटा माइनस बीटा को लिख सकते हैं कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, और कॉस बीटा माइनस गामा को लिख सकते हैं कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, कॉस गामा माइनस अल्फा को लिख सकते हैं कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, कॉस गामा माइनस बीटा को लिख सकते हैं कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा, और कॉस गामा माइनस गामा को लिख सकते हैं कॉस गामा प्लस साइन गामा इंटू साइन गामा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें दो दो नंबर्स के प्रोडक्ट हैं, और आप जानते हैं कि दो दो नंबर्स के प्रोडक्ट आपको कब मिलते हैं, जब आप दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको दो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के तीन सम आपको मिलते हैं किसी भी एलिमेंट में। तो अगर हम इसको दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट करने की कोशिश करें, अगर आप इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप देखिए इसका जो पहला कॉलम है उसमें कौन कौन से सेम एलिमेंट है, तो आप देख रहे हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा तीनों में आ रहा है, तो इसका जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें आपको कॉस अल्फा साइन अल्फा, और तीसरा नहीं है इसका मतलब जीरो होगा। अब आप देखिए कि इसके साथ कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां पर कॉस बीटा साइन बीटा, और यहां पर कॉस गामा साइन गामा, तो आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो, यहां पर कॉस बीटा साइन बीटा जीरो, और यहां पर लिख सकते हैं कॉस गामा साइन गामा और जीरो। सेकंड कॉलम में देखिए तीनों में कौन कौन से एलिमेंट है, तो आप देख रहे हैं कॉस बीटा साइन बीटा तीनों में, तो इसका जो सेकंड कॉलम होगा उसको आप लिख सकते हैं कॉस बीटा साइन बीटा जीरो,
और तीसरा कॉलम कॉस गामा साइन गामा, कॉस गामा साइन गामा, तो आप लिख सकते हैं कॉस गामा साइन गामा जीरो। अब ये डिटरमिनेंट इसका एक पूरा रो जीरो, इसका एक पूरा कॉलम जीरो है, तो इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो, तो आपको इसका वैल्यू जीरो मिलेगा, जो कि इसका डी ऑप्शन है। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा टू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा और ट्वाइस अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज। ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, सेकंड ऑप्शन दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया वन और फोर्थ ऑप्शन आपको जीरो दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि आपको ये डिटरमिनेंट दी गई है जिसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको अगर हम इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा और अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा और ट्वाइस अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू। अब अगर आप इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट करना चाहते हैं तो देखिए पहला टर्म है टू, पहला टर्म है टू, तो अगर हम यहां पर वन और वन ले लें, वन वन और यहां पर वन और वन ले लें तो वन प्लस जीरो टू आपको मिलेगा। अब देखिए इसका सेकंड एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा है, अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा है, तो अगर हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा ले लें, यहां पर गामा प्लस डेल्टा ले लें और यहां जीरो ले लें, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस वन इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस जीरो इंटू जीरो, फिर आप यहां पर अल्फा इंटू बीटा ले लें और यहां पर गामा इंटू डेल्टा ले लें और यहां पर जीरो, तो 1 इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 इंटू गामा डेल्टा प्लस 0 इंटू 0, तो आपको अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा मिलेगा। उसके बाद देखिए आपको अब यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा चाहिए, तो अगर हम यहां पर मान लीजिए कि सेकेंड कॉलम में अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा और जीरो ले लें, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा यहां पर आएगा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा और जीरो, तो ये मल्टीप्लाई होगा अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस जीरो, तो पहला टर्म आ जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर, लेकिन ऐसा तो आपको नहीं मिलना है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा आ रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर हम गामा प्लस डेल्टा ले लें और यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा ले लें, यहां पर आप गामा प्लस डेल्टा ले लें और यहां पर अल्फा प्लस बीटा ले लें, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा और अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा,
आपको टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा मिलेगा, और ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा लेने से सेकेंड कॉलम इसका जनरेट हो जाएगा। अब आप इसके थर्ड कॉलम पे आइए, थर्ड कॉलम में देखिए आपको चाहिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा। अगर हम यहां पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा ले तो जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा प्लस जीरो आपको मिलेगा, दूसरे में जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आपने अल्फा बीटा यहां पर गामा डेल्टा यहां जीरो लिया तो अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा प्लस जीरो पहला आ गया, लेकिन जब दूसरे में जाते हैं तो अल्फा बीटा के साथ अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, लेकिन अल्फा बीटा के साथ हमें गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर गामा डेल्टा यहां पर अल्फा बीटा लूं तो गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा तब भी पहला टर्म मिलेगा, और अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा के साथ गामा डेल्टा और अल्फा इंटू बीटा के साथ गामा प्लस डेल्टा ये आ जाएगा। तो यहां पर आप अल्फा बीटा यहां पर रखें और गामा डेल्टा यहां पर रखें। अब आप देखिए कि गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस जीरो आपको मिलेगा, गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा ये आएगा, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको ट्वाइस अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिलेगा। तो ये हमारे पास दो डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करने पे आपको ये डिटर्मिनेंट मिलेगी, और आप देख रहे हैं इसका एक पूरा कॉलम जीरो है, इसका एक पूरा रो जीरो है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपके पास जीरो और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो, तो फाइनली इसकी वैल्यू आपको जीरो मिलेगी, और जीरो इसका डी ऑप्शन है, जीरो इसका डी ऑप्शन है। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जिसमें हम लोगों